ये दुनिया बहुत सारा अनोखा और अमेजिंग चीजों से भरा हुआ है। इस चैनल के वीडियोस में हम लोग वही अनोखा और अमेजिंग चीजों के बारे में देखेंगे और जानेंगे भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिल्टन, आपका होस्ट। स्वागत है मेरा चैनल अमेजवर्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो के अनोखा और अमेजिंग चीजें आप देखना मिस ना करें। क्या आपने कभी नाखूनों में ऐसा सफेद स्पॉट देखा है, या फिर क्या आपके नाखूनों में ऐसा सफेद स्पॉट है? एक बार चेक करके कमेंट में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों, नाखूनों में ऐसा सफेद स्पॉट्स को कहते हैं ल्यूकोनिचिया। ये सीरियस कंडीशंस में ट्रॉमा, मेटल पॉइजनिंग, लिवर सीरियोसिस, शरीर में विटामिन की कमी और भी कई कारणों से हो सकता है। ल्यूकोनिचिया दो तरीके का होता है, टोटलिस एंड पार्शियलिस। ल्यूकोनिचिया टोटलिस के कंडीशन सबसे डरावने हैं। इसमें एक नहीं बल्कि सारी उंगलियों का पूरा नाखून सफेद हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। लेकिन ये थोड़ा रेयर है। इसका कारण ट्रॉमा, किडनी फेलियर एटसेट्रा हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में ऐसा सफेद स्पॉट है तो जरूर एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लीजिए। ल्यूकोनिचिया पार्शियलिस, इस कंडीशन में पूरा नाखून नहीं बल्कि कुछ हिस्सा सफेद हो जाता है, और ये एक में या एक से ज्यादा नाखूनों में हो सकता है। इसमें ऐसा रिंग जैसा सफेद धब्बा भी दिख जाता है कुछ कुछ टाइप्स में। सीरियस कंडीशंस में ये ल्यूकोनिचिया टोटलिस में बदल सकता है। वैसे घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ये गंभीर बीमारियों से हो सकता है जरूर, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका नाखून में लगी किसी चोट, या अगर आपको नाखून चबाने का आदत है तो ये आपके नाखून में भी हो सकता है। जेलीफिश, मुझे बचपन से जेलीफिश बहुत पसंद है। ये एक बहुत ही क्यूट सा समुद्री जीव होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जेलीफिश का 300,000 से भी ज्यादा प्रजाति होते हैं। अब तक खोजे गए प्रजातियों में से एक खास प्रजाति बहुत ही अनोखा और अमेजिंग है, जिसका नाम है लायंस मैन जेलीफिश, और इसका आकार की वजह से इसे जायंट मेड्यूसा से भी बुलाया जाता है। लायंस मैन इतना विशालकाय हो सकता है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा समुद्री जीव माना जाता है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा 98.43 फीट तक नापा गया है। और लायंस मैन का एक स्पेसिमेन सैन 1865 में मैसाचुसेट के समुद्र की तट पर मिला है, जो कि टेंटिकल्स को लेके टोटल 121.4 फीट जितना लंबा था। लायंस मैन को ज्यादातर देखा गया है यूएसए की ईस्ट कोस्ट के बड़े बड़े खाड़ियों में। लायंस मैन जेलीफिश का 1200 से भी ज्यादा टेंटिकल्स हो सकता है, जो कि 8 ग्रुप में बटा हुआ होता है। लायंस मैन जेलीफिश के टेंटिकल्स में छोटे छोटे कांटे होते हैं। वैसे वो इंसानों के लिए उतना घातक नहीं है, थोड़ा दर्द और रेडनेस जरूर होता है। विनेगर लगाने से वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। इनके पास बायोलुमिनेसेंस होता है, यानी केमिकल रिएक्शन से ये लाइट पैदा कर सकता है। लायंस मैन जेलीफिश छोटे मछलियां, जूम प्लैंकटन, छोटे जेलीफिश खाके अपना पेट भरते हैं, अगर इनके पास पेट है तो। इन जेलीफिश का शिकार लेदरबैक टर्टल जैसे कछुए करते हैं। लायंस मैन जेलीफिश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के ही कैपेबल होते हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं है तो भी ये खुद ही बच्चा पैदा करने में सक्षम है। आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक अनोखा और अमेजिंग इंसान से, जिनका नाम है पॉल कैरेसन, जो कि बलिंगहम, वाशिंगटन, यूएसए में नवंबर 14, 1950 को जन्म लिया था। पहले तो पॉल एक आम इंसान की तरह ही थे, लेकिन साइनसेस, डर्माटाइटिस, एसिड रिफ्लक्स जैसे बीमारी की वजह से उन्होंने थोड़ा रिसर्च करके कोलोइडल सिल्वर का सोल्यूशन घर में ही बना के पीने लगे और मुंह पे भी लगाने लगे मेडिसिन की तरह। एक दिन उनका मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से हुआ। पहली बार उसने ही पॉल का ये स्किन कलर नोटिस किया। असल में ज्यादा सिल्वर लेने की वजह से पॉल को एल्जीरिया नाम की एक रेयर कंडीशन हो गया था, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। स्किन कलर की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा उनका दावा था, और कोलाइडल सिल्वर इस्तेमाल करने से इनका कुछ बीमारियां जैसे कि एसिड रिफ्लक्स ठीक होने का भी दावा करते थे। इनका फर्स्ट वाइफ भी इनके साथ वो सोल्यूशन पीती थी, लेकिन उनकी स्किन एकदम नॉर्मल थी क्योंकि उन्होंने कभी मुंह पे नहीं लगाई। हार्ट का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब बीमारियों से लड़ते लड़ते इन्होंने अपना घर खो दिया। फिर पॉल को बचपन का स्कूल फ्रेंड से मुलाकात हुआ और दोनों में प्यार हुआ। फिर दोनों साथ में ही रहने लगे। मुझे तो बहुत मन था इनके साथ मुलाकात करने का, और आपको भी शायद होगा, लेकिन दुख की बात है कि 2013 का हार्ट अटैक की वजह से इनका मौत हो गया। डॉक्टर्स ने बताया ये कोलाइडल सिल्वर की वजह से नहीं हुआ, असल में हार्ट का पहले ही
ट्रिपल बाईपास सर्जरी हो चुका था। इनको पापा स्मार्प भी बोला जाता है, जो कि राजा गोंजनेल का द स्मार्प्स मूवी से इंस्पायर्ड है। पानी में खेलना तो हम लोगों को बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन दोस्तों क्या आप लेक नेट्रॉन में नहाना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि लेक नेट्रॉन एक ऐसा अनोखा और अमेजिंग झील है जहां लगभग हर जीव झील के पानी में गिरने के बाद पत्थर में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। लेक नेट्रॉन जो कि अफ्रीका की तंजानिया में स्थित है और इस झील का लंबाई 57 किलोमीटर है। ये झील इतना खतरनाक है कि कुछ जानवर या पक्षी झील के पानी में गिरने के बाद सतह में ही मर जाते हैं और बाद में पत्थर के बन जाते हैं। असल में लेक नेट्रॉन की साउथ साइड में ओल्डोनियो लेंगाई नाम का एक वोल्केनो है, जिससे एक अजीब किस्म का लावा निकलता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिसे नेट्रो कार्बोनेटाइट या शॉर्ट में नेट्रॉन बोला जाता है, जो कि झील के पानी को बहुत बहुत ज्यादा खारा बना देता है। झील के आसपास एल्केलाइन लावा के चट्टान है। जब रेगिस्तान में बारिश होता है तब बारिश का पानी इस झील में मिक्स होता है और बहुत सारा सोडियम ले आता है। ये झील कभी भी नदी में जाके नहीं मिलता है, इसीलिए पानी इवेपोरेट होता है, जिससे नेट्रॉन और ट्रोना झील में ही रह जाता है, जो कि लेक नेट्रॉन के पानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इस पानी का तापमान 60 डिग्री तक हो जाता है कभी कभी, और पीएच लेवल भी 12 हो जाता है। इस झील में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो कि झील की खारे पानी को बहुत पसंद करते हैं, और उनके फोटोसिंथेसिस की वजह से ये लाल और ऑरेंज कलर दिखता है। भारी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट होने के कारण ज्यादातर जीव कैल्सिफिकेशन की वजह से मम्मीज जैसा स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। कैल्सिफिकेशन से प्राचीन इजिप्ट में मम्मीज को बनाया जाता था, लेकिन अजीब बात यह है कि एक प्रजाति के फ्लेमिंगो यहाँ हर साल अंडे देने आती है, और वो एक विलुप्त प्राय स्पीशीज के है। लेक नेट्रॉन में अंडे देने से अंडा ज्यादा सुरक्षित रहता है दूसरे शिकारियों से। दोस्तों नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं ये वो नहीं है, यह है एटरेटो चुआना एजल्टी। ये बहुत ही खास और दुर्लभ जीव है। ये पहले खोजा गया था सर ग्राहम हेल्स के द्वारा ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट 80s में। फिर 2011 में ब्राजील के हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी मिला ये जीव। एसएलटी का साइज 11 से 160 सेमी तक हो सकता है। इसका शरीर सांप की तरह होता है और स्किन केचुए की तरह। एटरेटो चुआना सबसे बड़ा बिना फेफड़े वाला एम्फीबियन है। ये देखने में सांप जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये सांप है ही नहीं। ये असल में एम्फीबियन प्रजाति के है, जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, जैसे कि सैलामेंडर और मेंढक। लेकिन एम्फीबियंस में भी ये एक खास प्रजाति में आते हैं, जिसे सेसिलियन बोला जाता है, जो कि एक ऐसा एम्फीबियन है जिनका हाथ पैर नहीं होता है। यहाँ तक कि इनके आँख भी स्किन के अंदर या फिर स्कल के अंदर की तरफ होता है, इसीलिए ये ठीक से देख भी नहीं पाते। इनका फेफड़ा नहीं होता है और नाक स्किन से ढका हुआ रहता है, और ऐसा माना जाता है कि एजल्टीज हवा में ही अपने स्किन से गैस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन लेता है। असल में वैज्ञानिकों को बस 2 स्पेसिमेन मिला है, इसलिए इनके बारे में अभी तक ठीक से नहीं जाना जा सका। खोज अभी तक जारी है, लेकिन ये बहुत रेयर होने के कारण इसे खोजना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा फर्स्ट वीडियो कॉमेंट में जरूर बताना। जल्द मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे अमेज्ड एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।